गुड मॉर्निंग गाइस, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी क्रीवा के साथ। मेरी क्रीवा आराम से सोई है मस्त। अभी सुबह के बजे हैं 8, तो क्रीवा का टाइम 8-9 बजे है, कोई फिक्स नहीं होता है। जब आँख खुलती है तब उठती है, मतलब कि रात को अगर लेट सोती है तो फिर सुबह भी लेट उठती है। सो इस तरह से कुछ क्रीवा का रूटीन होता है। अभी भी जो मॉर्निंग का रूटीन है ना, वो मैं फिक्स नहीं कर पाई क्रीवा का। तो आप लोगों ने देखा ना क्रीवा कितना आराम से सो रही है। क्रीवा जब तक सो रही तब तक मैं अपना किचन का और थोड़ा बहुत जो काम डस्टिंग का काम है वो कर लेती हूँ, और पहले ब्रश कर लेती हूँ क्योंकि क्रीवा उठेगी ना, इसके बाद ब्रश करना बहुत मुश्किल है। गाइस, आपके भी बच्चे ऐसे करते हैं क्या? क्रीवा तो बहुत जिद करती है, जब भी मैं ब्रश करती हूँ ना तो क्रीवा को भी ब्रश चाहिए होता है, तो क्रीवा के सामने ब्रश करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए पहले ब्रश करते हैं और फिर किचन में चलते हैं। और गर्मियों में ठंडा ठंडा मिल्क शेक मिल जाए या फिर चीकू चीज मिल जाए तो बात ही अलग है ना। देखो, दोपहर के लंच की तैयारी भी हो गई है। यहाँ पे थोड़े बर्तन पड़े थे वो भी मैंने घिस लिए, ये रहे। और मैंने दाल चावल भी रख दिए हैं ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। गाइज, अगर सुबह सुबह इस तरह से रसोई हो जाती है ना, खाना हो जाता है तो बहुत इजी हो जाता है। मैंने देखा है बहुत टाइम बचता है, वरना फिर 11-12 बजे के बाद हम खाना बनाने के बैठते हैं तो पूरा पूरी दोपहर खाना बनाने में ही निकल जाती है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए सुबह सुबह मॉर्निंग में ही अगर खाना रेडी हो जाता है ना, लंच दोपहर का, तो बहुत ईजी हो जाता है। अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्रीवा उठेगी, इसके बाद क्रीवा की रूटीन शुरू होगी, नहाना धोना ये सब, फिर हम आराम से क्रीवा के साथ बैठ सकते हैं। मेरी एडिटिंग मैं कर सकती हूँ, नहाने के बाद फ्री हो जाऊंगी। अभी आंटी भी आते ही होंगे झाड़ू पोछे करने के लिए, बस फिर डस्टिंग हो जाएगी कंप्लीट। गाइस, मेरी क्रीवा भी उठ गई है और ये रूम की हालत देखो गाइस, ये रूम अभी भी ऐसा ही पड़ा है क्योंकि बेड अभी सही नहीं हुआ है। तब तक कुछ नहीं होगा, बेड सही होगा फिर ये सारा सामान सेट होगा। चलो, ये स्टोर रूम को तो ऐसे ही पड़े रहने देते हैं अभी, क्योंकि अभी मेरी हालत। और ये रूम कि आज हम करेंगे बेडशीट चेंज है ना। शु दिखा, कौन आयु कौन आयु? ये रही बेडशीट और इसकी मुझे अनबॉक्सिंग करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। ये जाएगा मेरी दूसरी चैनल पे और इंस्टाग्राम पे। देखो यहाँ पे ना वो प्याज वाले भैया आए हैं, दीवा उसको देख रही थी। यहाँ पे गुजरात में कांदा बोलते हैं, गुजराती में कांदा 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 लहसुन है ना। क्रीव कौन आई मुझे दिखा, मैंने जूम किया था। चलिए, अरे मैं यहाँ पे सेट करके आई और क्रीवा ने मेरी खराब भी कर दी। क्रीव ये मुको दिखा, ये मुको आप अनबॉक्सिंग वीडियो शूट करवाना छे ने, मुके तो अहिए यहाँ से ना मॉर्निंग में सुबह सुबह सनलाइट बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी धूप आती है।
बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी गाइस कि ये मेरा स्टोर रूम जो है वो आज सही हो जाएगा, लेकिन आंटी मेरे जब आए ना तो आंटी ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि चलो हम आज ये रूम को क्लीन कर लेते हैं। सच बताओ ना तो ये आंटी बहुत अच्छे हैं, मेरे बहुत सारे काम एक्स्ट्रा कर देते हैं। जब से आंटी आए ना तब से मैंने सच बताऊँ तो झाला वगैरह कुछ भी नहीं लगाया घर में, वो ही करके जाते हैं। वैसे मैंने सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए ही रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम मेरी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रीवा इतना परेशान कर रही थी ना, यहाँ से वहाँ हमारे पीछे पीछे भाग रही थी, और कोई भी काम क्रीवा के साथ ना बहुत स्लो हो जाता है। उस चक्कर में क्रीवा को चोट भी लग गई थी, वो गिर गई थी, तो वहाँ पे भी मेरा टाइम चला गया। फिर भी हम लोगों ने उस दिन ना पूरा जो ये रूम है वो सही कर दिया था। दोपहर तक ही हमारा रूम सही हो गया था। इसके बाद आए थे घर पे मम्मी पापा, और फिर हम लोग कहीं बाहर भी गए थे, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। इसलिए आज का जो व्लॉग है वो मैंने बहुत छोटा रखा है, बहुत छोटू सा प्यारा सा व्लॉग है। गाइस प्लीज़ इसे भी अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। आप लोग आजकल बहुत कम व्यूज आ रहे हैं वीडियो पे, पता नहीं क्या दिखना चाहते हैं आप लोग मेरे वीडियोस में, मुझे समझ में नहीं आता। और यहाँ पे देखो क्रीवा ने ये ना पूरा मेरे पैर पे गिरा दिया था, तो इतनी गंदी मुझे चोट आई थी ना। उसी वक्त मेरे पापा भाई और मम्मी भी आ गए थे, तो ये भाई ने ही फिर मतलब उठाया था। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं जहाँ पे हम लोगों को जाना था। वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा, आप लोगों ने मेरे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, तो क्योंकि ये 2-3 दिन पुराना व्लॉग है, 2 से 3 दिन तो पुराना चलता ही है मेरा व्लॉग। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।